दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आपके काउंसलिंग डिटेल्स डेट शीट जारी कर दी गई है। चाहे वो बीए स्टूडेंट के हों, चाहे बीएससी, चाहे एमएससी, चाहे एमकॉम, चाहे बीकॉम, चाहे एलएलबी, चाहे बीटेक, कोई भी स्टूडेंट हैं जिनको एडमिशन जिस डेट तक लेना है, जिस डेट को काउंसलिंग कराई जाएगी, इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स में आपको नोटिफिकेशन जारी की गई है और इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस नोटिफिकेशन की और आपको नोटिफिकेशन दिखा भी देता हूँ कि आपके कब से काउंसलिंग कराए जाएंगे और कब आपके एडमिशन फीस आपको पेड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अगर आप चैनल हंस स्टडी ग्रुप पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा जिससे नई वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती है। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय लिखा है काउंसलिंग डेट फॉर डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 2023-24 सेशंस के जो आपके एडमिशन काउंसलिंग डेट्स हैं यहाँ मेंशन है। प्रोग्राम्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है, डेट्स लिखा है, फैकल्टी लिखा है। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपके 7 अगस्त को कराई जाएगी। साइंस में बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी होम साइंस, बीएससी स्पोर्ट्स साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं इनकी 7 अगस्त को काउंसलिंग कराई जाएगी, 7 और 9 अगस्त को। फिर एडमिशन नोटिफिकेशन का 10 अगस्त लास्ट है और आपके फिक्स डिपॉजिट 10 अगस्त तक आप कर सकते हैं। वहीं कॉमर्स वी कॉम के लिए आपके 7 अगस्त और 9 अगस्त तक इनका भी फीस पेड करने का 10 अगस्त लास्ट डेट है। वहीं बैचलर ऑफ आर्ट इनका भी 7 से 9 अगस्त और 10 अगस्त तक फीस ये पेड कर सकते हैं। वहीं बीटेक के लिए भी 10 अगस्त है, 7-9 अगस्त को आपके काउंसलिंग कराई जाएंगी। धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तो इसी प्रकार से और भी मेंशन किया गया है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपके 12 अगस्त 13 अगस्त को कराई जाएगी और 14 अगस्त तक आप फीस को पेड कर सकते हैं। वहीं फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं इनकी काउंसलिंग 12 अगस्त को 13 अगस्त को कराई जाएगी और 14 अगस्त तक इनका लास्ट डेट है। और इसी क्रम में और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके बीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बीबीए, बैचलर होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग और बीसीए एमएलटी फिजिक्स ओनली इन कॉलेज, एलएलबी के भी, इन सभी का 14 अगस्त तक फीस पेड करने का लास्ट डेट है। 12-13 अगस्त को इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। अब बात आती है थर्ड राउंड की काउंसलिंग। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपकी 16 अगस्त और 17 अगस्त को आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी और बीकॉम के लिए फिर वहीं 16 अगस्त को ही कराई जाएगी। तो ऐसे ऐसे देखिए मेंशन किया गया है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो गए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ना देखिए फर्स्ट में लिखा है महायोगी गोरखनाथ सुपर 100 स्पोर्ट फॉलोअरशिप, यहाँ भी आपको बताया जा रहा है स्कैनिंग कैंडिडेट सिलेक्ट प्रोसीजर एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट परफॉर्मेंस एडमिशन कमेटी फीस डिपॉजिट 18 अगस्त तक करा सकते हैं। फिर और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए कमीशन डेट लिखा हुआ, सबमिशन ऑफ लिस्ट लिखा हुआ है, एडमिशन कमेटी आपके लिखे हुए हैं। किसके लिए लिखा है? इंटरनेशनल सैलरी रिकॉर्डेशन एप्लीकेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट आर सबमिट टू प्रोग्राम सब्जेक्टिव वाइज टू एडमिशन कमेटी फॉर अप्रूवल। जैसे कि बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी हैं वो एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी बताया जा रहा है कि 17 अगस्त तक ले सकते हैं। फिर लिखा है काउंसलिंग डेट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमईएड, ईटीसी, पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के लिए आपके 10 और 12 अगस्त को आपके कराए जाएंगे। वहीं एडमिशन नोटिफिकेशन 13 अगस्त को जारी की जाएगी और फीस डिपॉजिट आप लास्ट डेट है 13 को करेंगे। फिर वहीं सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एमएमएससी के स्टूडेंट के लिए 16-17 को कराए जाएंगे। फिर ऐसे थर्ड काउंसलिंग में देखेंगे 20 और 21 अगस्त को कराए जाएंगे। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कौन कौन से काउंसलिंग डिटेल्स में आपके कौन कौन से हैं और काउंसलिंग कहाँ कराई जाएगी इसके बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ है। जैसे प्रोग्राम्स बीएससी मैथ के लिए आपके दीक्षा भवन ग्राउंड फ्लोर पे कराई जाएगी। कोऑर्डिनेटर अजय सिंह हैं दीन साइंस के, उनका मोबाइल नंबर दिया गया है। कोऑर्डिनेटर आपके दिनेश यादव जी हैं, उनकी मेल आईडी मेंशन की गई है। इसी प्रकार से बीएससी एजी के हैं और फिर बीटेक के हैं और फिर आपके बीकॉम के हैं और फिर एलएलबी के हैं, फिर बीएलएलबी के हैं। तो इसी प्रकार से सारा कुछ मेंशन किया गया है कि आपके किस जगह पे कराए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों और इसी प्रकार में और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन काउंसलिंग सेल, आपके प्रोग्राम्स यूजी विनय कुमार सिंह जी हैं जिनका मोबाइल नंबर, और ऑफिशियल असिस्टेंट
रत्नेश सिंह जी हैं जिनका मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन किया गया है, और पीजी के लिए मनीष कुमार श्रीवास्तव जी हैं जिनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, श्री मुकेश पांडे जी हैं इनका मोबाइल नंबर, और श्री अमित सिंह कौशिक जी हैं जिनका मोबाइल नंबर मेंशन किया है। मेल कर संपर्क भी कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के अगर डाउट्स होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये रहा लेटेस्ट अपडेट DDU यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए चैनल अंश एस्टडी गुरु से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।